जैसे कि अभी आप सभी को पता होगा कि एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड से होने वाला है और एमसीक्यू पैटर्न में एग्जाम होगा तो एम पैटर्न के लिए हम एम सीरीज जो लास्ट ईयर भी मैंने ली थी काफी बच्चों को इससे काफी अच्छा बेनिफिट मिला था तो उसी तरीके से इस साल भी हम एम सीरीज को शुरू कर रहे हैं अभी इसके पहले मैंने तीन वीडियोज डाले थे तीन वीडियोज हमने के ऊपर डाले थे तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक कंबाइंड सीरीज भी शुरू करें ताकि हर एक चैप्टर के हमारे बेसिक्स को कवर अप वहां पे किया जाए तो दिस इज कंबाइंड सीरीज वी आर स्टार्टिंग ऑल द चैप्टर्स एम सी क्यूज विल बी कवर्ड इन दिस फोर टू फाइव वीडियो लेक्चर्स जहाँ पे हम आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट एमसी की उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो ये सीरीज में हम ये सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं और ऐप पे भी ये सारे पीडीएफ में शेयर करने वाला हूँ तो अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वहां से ऐप डाउनलोड करें बहुत सारे मटेरियल्स आपको वहां पे भी मिलने वाले हैं तो शुरू करेंगे आज का सेशन फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन

इफ यूर कंसेप्ट आर क्लियर फ्रॉम द चैप्टर यूल फेस एनी डिफिकल्टी वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि आर सी सी ने एक्सपोर्ट किया सेवेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर के गुड्स जिसका रेट था सेवेंटी रुपीज का कितना रेट था सेवेंटी रुपीज का जिसका रेट अवेलेबल है यहाँ पे सेवेंटी रुपीज दिया हुआ है और आ, पेमेंट उनको मिला है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर का जिसका रेट था सिक्सटी नाइन रुपीज ठीक है तो एक्सपोर्ट का एक सिंपल बेसिक रूल आपको बताता हूं अगर एक्सपोर्ट में रेट कभी भी कम होता है तो एक्सपोर्ट में लॉस होता है एक्सपोर्ट में रेट कम होगा तो लॉस होगा और व्हेनेवर देर इज लॉस आपको याद रखना है एफईएफ अकाउंट हमेशा डेबिट होगा क्या होगा एफईएफ अकाउंट डेबिट होगा ठीक है 70 और 69 का डिफरेंस है ₹1 रुपी। और आपका इंस्टॉलमेंट है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अगर हम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ही आएगा तो इसका राइट right आंसर क्या बनना चाहिए कि एफ ई एफ अकाउंट हमारा डेबिट होगा तो एंट्री विल बी एफ अकाउंट डेबिट तो एफ ई एफ अकाउंट यहाँ पे डेबिट होने वाला है अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री यहाँ पे होगा बैंक अकाउंट डेबिट एफ पी एफ अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम जो भी पार्टी का नाम आपको दिया है जैसे कि इस क्वेश्चन में आरसी दिया है सो so, एक्सपोर्ट में एक चीज रखनी है रेट इंक्रीजेस इज अ प्रॉफिट एंड रेट डिक्रीजेस इज अ लॉस एंड सिंस देर इज अ लॉस एफ अकाउंट विल बी डेबिटेड लॉस में हमेशा एफ पी एफ अकाउंट डेबिट ही होगा सेकेंड वॉट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर एडवांस रिसीव्ड इन एक्सपोर्ट अंडर फॉरेन करेंसी तो एडवांस का एंट्री क्या है तो वेन एवर वी समथिंग अगर हम एडवांस को रिसीव करेंगे तो पैसे हमें मिलेंगे तो जितने भी पॉइंट है उसमें जहां पे बैंक अकाउंट डेबिट दिख रहा है वो हमारा राइट right आंसर हो सकता है तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं देखो ऑप्शन नंबर थ्री में रियलाइजेशन टू बैंक है वो तो कट हो गया बिकॉज बैंक क्रेडिट है एक आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन को अगर हम देखे तो होता है बैंक टू एफ एफ यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की बात नहीं की गई है यहाँ पे बोला है कि एडवांस रिसीव्ड तो यहाँ पे एडवांस अगर आपको मिल रहा है तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट To parties account. जो भी आपकी रहेगी उसका नाम हम लिखेंगे फिलहाल हमारे इस में कोई भी भी का नाम नहीं दिया इसीलिए होगा I hope कि इससे आपके सारे क्लियर होंगे और जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपको अगर एग्जामिनर ने एमसीक्यूज बुक के पीछे के नहीं दिए खुद ही बना के एमसीक्यूज दिए तो किस तरीके से एमसीक्यू आएंगे उसी तरीके के एमसीक्यूज में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ दल एमसीक्यूज आर सेल्फ मेड ये मैंने एम सी क्यूज को बनाया है ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली exactly कि किस तरीके के एग्ज एमसी क्यूज पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है और आपके कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप उस एम सी क्यूज को इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो और राइट right अटेम्प्ट कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री द ग्रॉस लाइबिलिटी रूपीज एटी थाउजेंड एंड मार्क एप्लीकेशन आर रूपीज ट्वेंटी थाउजेंड द वैल्यू ऑफ अनमार्क एप्लीकेशन विल बी तो ग्रॉस लाइबिलिटी है एट्टी मार्क एप्लीकेशन है ट्वेंटी तो है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने ऐप के ऊपर कोर्सेस डाल के रखे हैं एंड दिस कमिंग होली यू हैव 50 परसेंट डिस्काउंट तो 50 परसेंट डिस्काउंट वहां पे अवेलेबल है अगर आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है तो आप कोर्सेस में एनरोल हो जाए सारे वीडियोस आपको डिटेल में मिलेंगे ताकि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और अगर आप पहले से जानते हो तो ये एमसीक्यू सीरीज से भी आपका फ्री में प्रिपरेशन होते रहेगा तो ग्रॉस मार्क एप्लीकेशन है ट्वेंटी थाउजेंड तो एट्टी में से अगर हम ट्वेंटी को माइनस करेंगे तो हमें मिलता है अनमार्क एप्लीकेशन अनमार्क एप्लीकेशन का मतलब होता है ऐसे एप्लीकेशन जिसके ऊपर जो हमारे अंडर राइटर्स है उनका स्टैंप नहीं है तो एट्टी माइनस ट्वेंटी नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ अमागमेशन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स दैट इज कॉल्ड एस आर डी डी इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन डेबिट साइड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स या क्रेडिट साइड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम सारे असेट्स को लिखते हैं जैसे कि आपके जो भी संड्री असेट होंगे वो लिखते हैं लेकिन आरडीडी डेटर्स में से लेस होता है इसलिए आरडीडी का पोस्टिंग हमेशा हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में करते हैं तो so, इसका राइट right आंसर बनेगा क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट तो ऑल दिस आई हैव ब्रॉट एमसी आर ऑल बेस ऑन द तो इफ योर कंसेप्ट कंसेप्ट इज क्लियर रहेगा तो आप इस टाइप के एमसीक्यू को इजिली कर सकते हैं उसी पे फोकस करेंगे ताकि जो एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाएंगे अगर कैसे भी पूछे जाए आपके एमसीक्यू सही होने चाहिए नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर फिफ्थ प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंट आर ट्रांसफर्ड अंडर हेड इन द बैलेंस शीट तो प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड कहाँ ट्रांसफर किया जाता है लॉन्ग टर्म बोरइंग्स शॉर्ट टर्म बोरइंग्स ओन फंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो याद रखना प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड हमेशा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के हेडिंग में ट्रांसफर किया जाता है चैप्टर ऑफ लिमिटेड अलाइबिलिटी पार्टनरशिप कॉल्ड एस एल एल पी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल एल पी राइट तो आंसर right है डिसाइडिंग दार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स तो ये हमेशा फर्स्ट स्टेप रहेगा एल एल पी का सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं इफ एल एल पी है प्रोविजन फॉर हैविंग टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एल एल पी शेल बी लाइबल फॉर पेनल्टी ऑफ तो कितना पेनल्टी लगेगा अगर दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका राइट right आंसर है मिनिमम रुपीज टेन थाउजेंड एंड मैक्मम रुपीज फाइव लैक्स कम से कम दस हजार की पेनल्टी लगेगी और ज्यादा से ज्यादा फाइव लैक्स की पेनल्टी आपको लगेगी अगर आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं किए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम दैप्टर ऑफ एल एल पी ंग दसिडर्ड एज चार्टॉक्यूमेंट ऑफ एल एल पी तो एल एल पी का चार्टर डॉक्यूमेंट क्या है पार्टनरशिप डीड इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंटिंग सर्टिफिकेट या एल एल पी एग्रीमेंट तो सिंपल है इसका आंसर एल एल पी एग्रीमेंट जो है दैट इज कंसिडर्ड एज द चार्टॉक्यूमेंट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नेक्स्ट इज फॉरन नेशनल कैन बिकम पार्टनर इन एल एल पी एस पर विच रेगुलेशन तो कौन से रेगुलेशंस के बेसिस पे फॉरेन नेशनल भी एलएलपी का पार्टनर बन सकता है रेगुलेशंस, रेगुलेशंस, पार्टनरशिप एक्ट एक्ट 1932, कंपनीज 2013। तो इसका राइट right आंसर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट विच इज कॉल्ड एज फेमा तो फेरा जो था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट उसको रिप्लेस किया गया और वो रिप्लेस करने के बाद आया फेमा दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो 1999 में ईयर में आया था तो ये आपको याद रखना है तो फॉरेन नेशनल कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी एंड दिस इज एज पर विच लॉ विच रेगुलेशन इट इज एज पर फेमा रेगुलेशन क्वेश्चन नंबर टेन हु एमोंग कैन बिकम पार्टनर इन एल इनमें से कौन पार्टनर बन सकता है कंपनी एंड इन एंड आउटसाइड इंडिया टेड इन एन आउटसाइड इंडिया इंडिविजुअल रेसिडेंट इन एन आउटसाइड इंडिया एंड ऑल ऑफ दबाव तो राइट आंसर है इसका इनमें से सभी लोग एल एल पी के पार्टनर बन सकते हैं कॉल्ड एस ऑल ऑफ दबाव नेक्स्ट पॉइंट अ पिटिशन प्रेजेंटेड बाई द कंपनी फॉर वाइंडिंग अपफोर द ट्रिब्यूनल शैल बी एडमिटेड ये लिक्विडेटर का चैप्टर जो है हमारा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट उसमें से है उसके भी काफी सारे क्वेश्चंस मैंने ऐप पे सॉल्व करवाए हैं तो अगर आपकी कुछ भी चीजें अभी तक पढ़ के नहीं हुई है तो आप कोर्स जरूर ज्वाइन करें काफी नॉमिनल फीस में होली में आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और वो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा अ पिटिशन प्रेजेंटेड बाय द कंपनी फॉर वाइंडिंग अप बिफोर द ट्रिब्यूनल शैल बी एडमिटेड ओनली इफ इट इज बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार या बोर्ड ऑफ कॉपी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स राइट so, आंसर right है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर टेन कंपनी इज नाउ गवर्न फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इंडियन कंपनीज एक्ट टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड तो वाइंडिंग अप अभी जो भी वाइंडिंग अप होगा क्लोजर होगा ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर

ट इज कवर्ड अंडर लिस्ट ई तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने सारे लिस्ट यहाँ पे लिखे है कि कौन से लिस्ट के अंदर कौन सा लिस्ट आता है तो so, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं Uh, जैसे ही ये पूरे सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे उसका पूरा पीडीएफ डी एफ में एप में शेयर करने वाला हूं तो ऐप डाउनलोड कर ले लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है भले आप कोर्स ज्वाइन ना करें तो भी आपको ऐप आप में बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलते रहेगा टाइम टाइम टू टाइम बेसिस पे इसलिए ऐप डाउनलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो दैट इज पॉइंट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखते हैं करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी ऑफ एन एंटरप्राइज इज नॉन रिपोर्टिंग करेंसी फॉरेन करेंसी फॉरेन करेंसी या इंडियन रुपीज तो इसका राइट right आंसर है फॉरेन करेंसी काफी सिंपल क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखते हैं केस ऑफ वैल्यूएशन मेड ऑन एंड ऑफ द्रांसैक्शन द प्रॉफिट और लॉस ऑन सच वैल्युएशन इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट और लॉस कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर किया जाएगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में जिसको हम एफ अकाउंट के बेसिस पे जानते हैं फ्रॉम दिस वीडियो तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज अभी आपको बहुत सारे एम के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं जिसके आपके प्रिपेरेशन्स काफ़ी अच्छी तरीके से होंगे और हम इसी तरीके से हर सब्जेक्ट को टारगेट करने वाले हैं जिससे आपका काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन होगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर